अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे आपके भाई का नाम क्या था? विश्वा। मेरा इकलौता बेटा, इकलौता कमाने वाला मेरा बेटा न्योर। पर आपके बाबा ने तो कुछ और नाम बताया था उनका। वो उनका दाक नाम था, लेकिन हम उन्हें प्यार से विश्वा कहते थे। माँ ने ही उनका ही नाम रखा था। माफ कीजिए, हम काम नहीं कर पाएंगे, थोड़ी देर बाद में आते हैं। बीना खामखा में उनके भाई की बात छेड़ती। हे भोलेना, प्लीज उन्हें इतनी हिम्मत दीजिएगा कि वो अपने गम से जल्द उभर पाए। अब देवरानी जी सुनिए तो, आप ना ये सारा सामान ऐसे ही ढक के रख दीजिए। चाची सास जी ने जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कुछ लोगों को बुलवाया है। तो सब लोग ना पहले ही आंगन में जा चुके हैं, तो आप भी आ जाइए। ठीक है भाभी, एक काम कीजिए, आप जाइए, हम ये सब ढक कर आते हैं। ठीक है, जल्दी आइएगा। हाँ अभी एक घंटे के लिए सबको घर के बाहर ही रहना होगा। तो ज्यादा क्या जरूरत थी इन्हें अभी बुलाने की, अब नाश्ता लेट हो जाएगा। अरे हम सब तो बाहर आ गए, लेकिन लगता है नियति अंदर ही रह गई। हम उसे बुलाकर लाते हैं। क्या कर रही हो राधिका? तुम अंदर कैसे जाओगी, अंदर स्प्रे हो रहा है। तहम जी, ये स्प्रे ना बिल्कुल हर्बल है, इंसानों को नुकसान नहीं करता है। फिर भी हम मुंह पर पल्लू लगा कर जाएंगे। हाँ प्लीज, खांसी तो आ रही है। काश ऐसा कोई स्प्रे होता जो हम इस राधिका पर छिड़कते और ये भी घर से बाहर भाग जाती। सुजाता, तुम्हें ऐसा स्प्रे अगर मिले तो मुझे भी दे देना, मुझे भी चाहिए। कमरा अंदर से बंद कर दो, स्प्रे से बाहर ही करना है। अंदर इतने कीड़े मकोड़े हैं, वो धुएं से ही मर जाएंगे।
दादी के कमरे से ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? हे भगवान, वो ठीक तो है ना? ऐसा तो बंद है, फिर नहीं थी कि आवाज कहां से आई? ये नियति कहां गई? अपने कमरे में ही तो आई थी, पर कमरा तो बाहर से बंद था। फिर दादी, शायद वो स्प्रे की वजह से चक्कर आ गए होंगे। अरे पर ये स्प्रे हर्बल स्प्रे है, इस स्प्रे से किसी इंसान को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। हमें तो लगता है कि इसको बिना कोई बीमारी है पक्का, जैसे इसके भाई को थी। उसको दिल का दौरा पड़ गया था अचानक से, और वो मुन्ना की गाड़ी के सामने आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और सारा इल्जाम हमारे मुन्ना के सर पर आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी भी मौत हो जाए और इसका इल्जाम भी हमारे सर पर आ जाए। हाँ हाँ सुजाता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसलिए इसका बुढ़ा बाप इसे यहाँ पर छोड़ के गया है कि इसे कुछ हो जाए और उसका बुढ़ा बाप आए और पैसे लेकर जाए। माँ जी, ताई जी, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। नियति, होश आ रहा है। पानी, भाभी पानी लेकर आइए जल्दी। आराम से बैठ, आराम से संभाल कर। देवरानी जी, ये लीजिए। ये किलो नहीं थी। नियति, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो खुद को? घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो। बच गई, इन्हें कुछ पता नहीं चला। नियति, पर मैं एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम तो अपने कमरे में गई थी ना, और तुम्हारा कमरा तो बाहर से बंद था, और जब हमने अंदर जाकर देखा तब तुम थी नहीं वहां पर। हाँ, और हम सब भी बाहर ही थे, हम में से किसी ने भी तुम्हें आते हुए नहीं देखा। तुम हमें यहाँ पर बेहोश मिली। आओ आओ, संभाल कर उठो, उठो। वो हम अपने कमरे में नहीं गए थे, यही आंगन के कोने में बैठे थे। धुआं से हमारा सर भारी हो जाता है, सांसें फूलने लगती है और नब्ज कमजोर हो जाती है, पर लगता है कि धुआं हम तक आ गया और हम बेहोश हो गए। देखा, हमने कहा था ना कि इसको जरूर कोई बीमारी है। सुजाता, बीमारी और एलर्जी में फर्क होता है।
दोनों अलग अलग है। नियति, एक काम करते हैं, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देते हैं। आज ये कागज नियति का है क्या? नियति, ये तो तुम्हारे भाई है ना? आज जब हमने तुमसे तस्वीर मांगी थी उनकी, तब तो तुमने कहा था तुम्हारे पास कोई तस्वीर नहीं है। पर ये कागज तो हमें तुम्हारे कमरे में से ही मिला है। आप लोगों ने हमसे हमारा भाई छीन लिया, अब उसकी कुछ बची यादें, वो भी छीन लेंगे तो इसलिए नहीं पता है। देखो तो नियति, अरे सुनो तो, चली गई नियति। अरे अजीब है ये लड़की, एक तो हम लोग इसको सहारा दे रहे, उल्टा ये हमें सुना के जा रही है। कोई बात नहीं सुजाता, आज नहीं तो कल सच जान ही जाएगी कि हमारा दिव्यम निर्दोष है। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इसके और इसके भाई की फोटो ऐसे 100 साल पुरानी जैसी क्यों लग रही थी, और आजकल फोटो के जमाने में ऐसे हाथ से बनी हुई तस्वीर कौन रखता है? वाह कली बिटिया, तुम ना ज्यादा दिमाग मत चलो जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम घर के काम पे ध्यान दो, ठीक? चलो जाने दो, करवा चौथ आ रहा है तो मैंने तुम सब बहुओं के लिए एक सरप्राइज रखा है, शाम को हॉल में आ जाना सब। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दादी, ये चुनरियाँ तो कितनी प्यारी हैं। हाँ, हाँ, हाँ। पहली बार मेरी सारी बहुएं इकट्ठी होकर करवा चौथ मना रही है, वो भी बिना अर्चन के, तो इसे मैं खास बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये थालियाँ तुम लोगों के लिए खुद अपने हाथों से तैयार की है। पसंद आई ना? बहुत मम्मी जी, बहुत सुंदर थालियाँ हमारी। सुजाता कविता, अगर तुम लोग अपनी मर्जी से अपनी बहुओं को कुछ देना चाहती हो तो इन्हीं थालियों में रख देना। जी सुजाता, अगर हमारे बेटों के लंबी मर की बात नहीं होती तो इन दोनों बहुओं को थोड़ा थोड़ा जहर दे ही देती। चलो चलो जल्दी अपनी थालियां उठाओ। जी माँ। इतनी प्यारी है ना सुजाता? हाँ जी भाभी। माँ जी, हम सब की चुनरियाँ तो हमारे पास है, फिर ये वाली चुनरी किसके लिए है? ये नियति बेटा। नियति इधर आना। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। मैं दादी सास जी, इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो ये चुनरी आप क्यों दे रही हैं ना? ये किसके लिए करवा चौथ रखेंगी? कली बेटा, जैसे सुहागने अपने पति की लंबी उम्र पाने के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखती है ना, उसी तरह अविवाहित लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए, अच्छा वर पाने के लिए ये व्रत रख सकती है।
ओ ऐसा। नियति बेटा, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे ना, तो तुम करवा माँ से प्रार्थना करना कि जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए और तुम्हें अच्छा सवार मिले। लो रही थी। वो बापूजी की याद आ गई थी, माफ कीजिए। लेकिन एक बात बताओ, तुम ये बार बार अपनी जीभ ऐसे 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 लपलपाती क्यों रहती हो? ऐसा लगता है तुम्हारे होठ पर चाशनी हो और तुम उसे पी रही हो। है ना भाभी? मुझे प्यास लगी। हाँ कली बिटिया, इसने तो कपड़े फैलाए नहीं, तो तुम ही फैला दो। अब चाची आपने कुछ कहा क्या? अरे छोड़ो, अब तुम याद से सुबह जल्दी उठ जाना और ये पूजा की जिम्मेदारी मैं सुजाता तुम्हें और राधिका को देना चाहती हूँ, क्योंकि इन दोनों पे मुझे भरोसा नहीं है। मम्मी जी, दादी सास जी, जिमा जी, हम सबको उठा देंगे। हाँ अब मम्मी जी, कल पूरा दिन हम सबको निर्जल व्रत रखना है। हाँ? तो आज क्यों ना हम कुछ अच्छा खाना खाए सब मिलके, है ना? एकदम सही कहा आपने सास जी, हमने मुंह की बात छीन ली। समोसे, चाट, पकोड़े, सब कुछ बनना चाहिए आज तो। जैसी सास वैसी बहू। आइए भाभी, चलिए। अब भाभी इधर आइए हमारे साथ। आपको याद है क्या कि वो करवा माता की जो फोटो है वो कहाँ पर रखी है? देवरानी जी, जहाँ तक हमें याद है वो स्टोर रूम में या नौकरों वाले कमरे में किसी संदूक में रखी है। ठीक है भाभी, एक काम कीजिए, आप ना दुलारी जी के कमरे में देख लीजिएगा, हम जाके स्टोर रूम में देख लेंगे। हाँ हम ये रख देते हैं, फिर देखते हैं। ये बरसात के बाद स्टोर रूम का दरवाजा ही खराब हो गया, बिना चाबी खुलता ही नहीं है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माँ, माँ का फोन। हाँ माँ, पाई लागू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? हम भी बढ़िया। सुन रहे हैं, बोलिए। शायद इसी बक्से में करवा माता की तस्वीर है। कुछ नहीं माँ, आपसे नहीं बोल रहे, आप बोलिए। देवरानी जी का फोन। माँ आप 2 मिनट रुकिए, जरा हम देवरानी जी से बात करते हैं। हाँ देवरानी जी बोलिए। भाभी यहाँ पे तो माता रानी की फोटो ही नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ पर है वो बक्सा। हाँ देवरानी जी, हमें एक बक्सा मिला है, हम अभी लेकर आते हैं। ये बात
जी। तफीम जी? जी तफीम जी। सुनो जल्दी बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तफीम जी अभी हम एक काम कर रहे हैं, थोड़ी देर में आते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकती, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तफीम जी आपका काम हमारे काम से ज्यादा जरूरी नहीं होगा, हम ना करवा माता की फोटो ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ लेंगे उसके बाद आएंगे, ठीक है? फोन काट दिया, मेरा फोन काट दिया। कल करवा चौथ है और आज ही अपने पति की कदर नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा। मेरी हस्ती खेलती जिंदगी उछाड़ दी, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और यहां ये खुश हो? तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दिव्यम जी हमने कहा ना हम बिजी, आप बार बार परेशान मत कीजिए हमें। दिव्यमची उठिए उठिए यार, क्या हो गया आपको? अचानक से आंखें खोलिए दिव्यमची, प्लीज आंखें खोलिए ना। आज मेरा बदला पूरा हुआ।